Happy New Year guys, how are you all doing? So, this is the first video of 2022. तो आज मैंने क्रिएट किया है बहुत ही सुंदर बहुत ही स्टनिंग ग्लिटरी ग्रीन स्मोकी आई मेकअप लुक ये लुक बहुत ही ब्यूटीफुल टर्न आउट हुई है स्पेशली आईज का आइज एंड या एंड सच बताऊँ बहुत ही ईजी पीजी लुक है ये तो अगर आपको ये वीडियो मेरा अच्छा लगे पसंद आए तो लाइक कर देना एज यूजली आज से सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड या गिव मी यर फीडबैक डाउन बिलो एंड नाउ लेट्स गेट्स सबसे पहले मैं करने वाली हूँ अपने आई को फिल में यूज़ करी बेनिफिट का ब्रोजिंग पाउडर मैं फूली की हेल्प से जो हेयर ग्रोथ होती है उसको नीचे की तरफ ब्रश करूंगी और फिर जो एरियाज है उसको मैं फिल कर दूँगी और फिर से मैं इस पुल की हेल्प से अपवर्ड सरेक्शन में हेयर को ऊपर की तरफ ब्रश करूंगी और जो गैप्स है उसको फिल कर दूंगी एंड दिस इज हाउ यू फिल योर आईब्रोज इससे बहुत ही नेचुरल इफ़ेक्ट क्रिएट होता है इट डज नॉट लुक मेड अप सी ओके okay? सो so, अब मैं अपने आईलेट एरिया को करने वाली हूँ प्राइम यूजिंग स्विस ब्यूटी कंसीलर दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट फेवरेट ड्रग स्टोर कंसीलर एंड ट्रस्ट मी ओनली फॉर टू हंड्रेड रुपीज़ लाइक रियली बहुत ही अच्छा है बहुत ही अफोर्डेबल है तो या मैं इससे अपने Uh, आलि डीडो को अच्छे से प्रेप करूँगी क्योंकि मैं स्मोकी आइस कर रही हूँ और अपने आई आईब्रोज को काव आउट भी करूँगी सो दैट की वो नीट इफेक्ट क्रिएट हो सके ओके नेक्स्ट स्टेप मैंने क्या किया है मैंने अपने आईलिड एरिया को सेट किया है यूजिंग दिस मैक स्टूडियो फिक्स पाउडर प्लस फाउंडेशन पाउडर वैसे तो ये करना नहीं चाहिए था मेरे को बट मैंने कर दिया ओके सो या मैं यूज़ करी स्विस ब्यूटी का काजल और मैं यूज़ करी रही हूँ जेलाना ये बहुत ही अच्छा काजल है गाइस और बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाता है मैंने ब्लैक जलाना इसलिए यूज़ किया है क्योंकि मैं चाहती हूँ जो मेरी आई शेडो है वो ज़्यादा इंटेंस लगे अगर आपको अगर आप एज इट लगाते ग्रीन आई शेडो तो वो इतनी इंटेंस नहीं लगती ओके सो मैंने इस कलर को उठाया है और इससे मैं एजिस को अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ सो दैट कोई भी हार्श लाइन ना रहे जब भी आप स्मोकी करें मेक श्योर sure करें आपकी ब्लेंडिंग अच्छी हो अगेन अगेन एंड मैं होगा ब्लैंड इज द की फॉर गुड स्मोकी आइए और मैं बैक एंड फोर्थ मोशन में अच्छे से कलर को प्लेस कर रही हूं धीरे धीरे वो कलर को उठाना है आपको एकदम नहीं उठाना है अगर ज्यादा उठाएंगे तो पैच लगेगा ठीक है फिर से मैंने वो जेल लाइनर लिया है और अपने आई रेड एर पर लगाया है एंड अगेन आई एम ब्लैंडिंग विद द सेम ब्लैंड ब्रश से मैंने ब्राउन शेडो प्लेस किया था मैंने यूज़ किया है मिलानी का ये गिल्डेड पैलेट ये बहुत अच्छा पैलेट है और अब मैं यूज़ कर रही हूँ ग्रीन कलर बहुत ही ब्यूटीफुल ये ग्रीन कलर है इसको लगा रही हूँ विद हेल्प ऑफ ब्रश और फिर मैं फिंगर की हेल्प से इस कलर को लगाने वाली हूँ बहुत ही अच्छा पिगमेंट है गाइस इनफैक्ट इस पैरेट में सारे कलर्स बहुत ही ब्यूटीफुल है। so, yeah, हैं सो या अब देखना कितना इंटेंस लग रहा है मेरा आई शेडो सो या फिर से मैं वही ब्राउन कलर जो था ना पहला वाला वही यूज़ करी सो so, दैट की कोई भी हार्श एजिज ना लगे एंड माई ब्लैंडिंग लुक्स वेरी नीट एंड क्लीन अब मैंने यूज़ किया है ये फ्लफी ब्रश और उसके ऊपर कोई कलर नहीं है और एजिस को मैं अच्छे से ब्लैंड करने वाली हूँ सो दैट की कोई भी हार्श लाइन ना रहे ओके गाइस तो अब हम ऐड करने वाले हैं ग्लिटर्स मैं यूज़ करने वाली हूँ सबसे पहले नेक्स्ट का ग्लिटर ग्लू सो दैट कि मेरे ग्लिटर्स अच्छे से चिपक जाएँ और फिर मैं यूज़ करने वाली हूँ ये फ्लेक्स फ्रॉम अमेजोन मैंने बाय किए हैं और ये ठीक ठाक फ्लेक्स लगे मेरे को लाइक uh, like अगर आप ज़्यादा लगा लेंगे ना अपने आइज़ पर तो ये चुभेंगे आपको ठीक है तो ज़्यादा ना लगाएगा कम लगाइएगा और मैं इसको लगाने वाली हूँ विद द ब्रश और या तो इससे आई लुक और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही है और अगर आप कुछ डिफरेंट देना चाहते हो अपनी आई लुक को तो आप इन फ्लेक्स को यूज़ कर सकते हो ना लेट्स मूव ऑन टू द बेस मेकअप मैं यूज़ करने

एंड गाई वन मोर थिंग मैं यहाँ पे एक अपनी फॉलोअर की मम्मा को हैप्पी बर्थडे विश करना चाहती हूँ उनका नाम है शिल्पा और उनकी मम्मा का बर्थडे है थर्ड ऑफ जनवरी को सो या हैप्पी बर्थडे आंटी एंड थैंक यू फॉर लाइकिंग माई वीडियोज़ एंड या आई एम रियली ग्रेटफुल कि आप लोग मुझे इतना प्यार देते हो सो या हैप्पी बर्थडे वंस अगेन सो so, या yeah, अब मैं अपने अंडर आई एरिया को करने वाली हूँ कंसील और मैं यूज़ करी रही हूँ स्विच वीडियो के कंसीलर मैं बहुत ही कम अमाउंट कम अमाउंट लगाऊंगी क्योंकि ज़्यादा लगाओगे तो आपका अंडर आई एरिया ना क्रीजेज़ पड़ने के ज़्यादा चांसेस हैं ठीक है थीके? तो कम लगाइए कम कहते हैं ना लेस इज़ मोर या सो या फॉलो दैट कि लेस इज़ मोर सो इसलिए मैं कम लगा रही हूँ और इसी से मैं अपने एजिस को भी से ब्लेंड करूँगी क्योंकि इसे बहुत ही नीट इफ़ेक्ट क्रिएट होता है सो या गाइज मैं लगाने वाली हूँ कंसीलर और ये फुल फुल कवरेज कंसीलर है ठीक है और यह इसकी ब्लेंडेबिलिटी भी बहुत अच्छी है तो मैं अपने पूरे फेस पे अच्छे से ब्लेंड करूँगी विद द हेल्प ऑफ ब्रश द लेटर ऑन विद द ब्लेंडर सो दैट कि कोई भी स्ट्रोक्स नजर ना आए अब इस लुक के लिए मैंने क्रीम कंट्रोलिंग भी की है वैसे तो मुझे क्रीम कंट्रोलिंग करना तो पसंद नहीं है बट कुछ लोगों को पसंद है तो इसलिए मैं उनको दिखा रही हूँ कैसे की जाती है तो कॉन्टोरिंग करने से क्या होगा कि अगर आपका फेस मोटा है तो वो बहुत चिजल बहुत ही स्नैश्ड इफेक्ट देता है सो या दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन कॉन्टोरिंग एंड ब्रॉन्जिंग ब्रॉन्जिंग मतलब आपके फेशियल फीचर्स को यू you नो know, वो वो प्रोवाइड वो प्रोवाइड करता है और कंटोरिंग उसी चीज़ को थोड़ा सा यू you नो know, स्नैश्ड और चिजल्ट लुक देता है सो so, अगर आपके लिप्स पतले हैं तो आप कॉन्टोरिंग करके उनको मोटा दिखा सकते हैं अगर आपका फेस मोटा है तो आप उनको कॉन्टोरिंग करके पतला दिखा सकते हैं स्नैश्ड लुक दे सकते हैं सो दिस इज द डिफरेंस सो अपने पूरे फेस को मैं सेट कर रही हूँ यूजिंग दैट सेम टिकटॉक मैथड जो मैंने आपको दिखाया टैपिंग टैपिंग करके वो ब्लरी इफेक्ट आ जाता है आपके फेस के ऊपर और अब मैं अपने फेस पर करने वाली हूँ यूज़ ब्रॉन्जर ब्रॉन्जर आपके फेस को डेफिनेशन भी देता है और वार्म भी प्रोवाइड करता है और बहुत ब्यूटीफुल लगता है आपका फेस टू बी ऑनस्ट आई लव ब्रॉन्जिंग माई फेस कॉन्टोरिंग इतना पसंद नहीं है बट ब्रॉन्जिंग इज माई कीट दूंगी अब मैं इन दो कलर को मिक्स करके अपने फेस को अच्छे से काव आउट करने वाली हूं so एक, एक ब्यूटीफुल सा लुक क्रिएट हो सके क्योंकि ये पार्टीवेयर लुक है इसलिए मैं चाहती हूं कि ये नो सारे स्टेप्स में आपको दिखा सकूं सो देट की अगर आपके फेस पे कोई भी आपको कमी लगती है तो आप इन स्टेप्स को यूज करके उस कमी को हाइड कर सकते हैं ठीक है सो या वैसे तो जो है ना उसी में खुश रह वी शुड बी लकी जो हमें भगवान ने दिया है ठीक है गाइज सो so, अपने लिप्स को थोड़ा फुलर दिखाने के लिए भी मैं कंट्रोलिंग पाउडर वहाँ पर लगा रही हूँ जरूरी की मेरे लिप्स मोटे मोटे लगे अब मैं color, blush, ये यूज़ कर रही हूँ बहुत ही ब्यूटीफुल कलर ब्लश ये एसेंस का है मॉव कलर है और क्योंकि मैं म्यूटेट रखना चाहती हूँ कलर को क्योंकि मेरी आईज बहुत ज़्यादा इंटेंस है क्योंकि अगर आप सब कुछ बहुत ज़्यादा हाई रखोगे ना वो बहुत बुरा लगता है फिर मैंने वो प्योर न्यूट हाईलाइटर यूज़ किया है टू हाईलाइट माई चीक्स और अब मैं इस कलर को यूज़ कर रही हूँ टू टू ब्लैंड माई लोअर लैश लाइन ठीक है सो so, या yeah, एक लुक बैलेंस हो जाती है आपकी जब आप लोअर लैस लाइन पर कलर लगाते हैं मुझे वैसे तो आप काजल भी यूज़ कर सकते हो बट मुझे थोड़ा वाइट यूज़ करना था तो मैंने क्या किया कि इस वाइट कलर को मैंने यूज़ किया है ऑन माय वाटर लाइन बट अगर आपकी सेंसिटिव आइज़ है आई विल नॉट रेकमेंड यू गाइस टू डू दिस स्टेप क्योंकि इससे आपकी आइज़ और ज़्यादा यू नो सेंसिटिव हो सकती है सो या अवॉइड इट अगर आपकी सेंसिटिव आइज़ है अब मैं यूज़ कर रही हूँ लिपस्टिक इसका नाम है फाइटर और या इट्स अ ब्यूटीफुल मे लिपस्टिक और दिस इज द कम्प्लीट लुक कैसा लगा आपको ये लुक मैंने लूज कर्ल्स किए हैं और ये ज्वेलरी मेरी कोहिन् ज्वेलरी से है तो so मैं उनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगी अगर आपको वीडियो मेरा अच्छा लगा हो हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक कर देना शेयर कर देना सब्सक्राइब कर देना एंड गिव यू फीडबैक डाउन बिलो आप लोगों का फीडबेक मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है काज इट रियली मोटिवेट्स मी और मुझे इंकरेज करता है कि मैं और ज़्यादा अच्छी अच्छी वीडियो आप लोगों के लिए लेके आऊँ तो या जाते जाते लाइक कर देना शेयर कर देना सब्सक्राइब कर देना आएल सी इन में नेक्स्ट वन बाय टेक केयर